राजीव गांधी सरकार के विपरीत अब 90% राशि गरीबों तक पहुंचती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भल्ला ने मोदी सरकार के बारे में कही ये बात। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने कहा कि वर्तमान सरकार में सरकारी वितरण प्रणाली में काफी सुधार हुआ है और स्थिति पहले जैसी नहीं है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की सरकार के समय वितरण प्रणाली में काफी अंतर था। राजीव गांधी ने खुद इस बात को माना था कि उन्होंने 1995 में दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि गरीबों के लिए जो 1 रुपया भेजा जाता है उसमें सिर्फ 15 पैसे उन तक पहुंचते हैं, बाकी पैसा बिचौलिए उड़ाले जाते हैं। इस स्थिति में अब बदलाव आया है। अब सरकार द्वारा भेजी गई 90% से अधिक राशि गरीबों तक पहुँच रही है। सुरजीत भल्ला प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में चमत्कार कर दिखाया है। पिछले कुछ वर्षों में वितरण प्रणाली में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। आज लाभार्थियों को आवंटित धनराशि का 90% से अधिक हिस्सा मिल रहा है। भल्ला ने कहा कि सरकार आज गरीब और वंचित नागरिकों के लिए जो भी फंड निर्धारित कर रही है वह सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत 2013 में की गई थी और उस समय लगभग 20-25% आबादी को इसका लाभ मिल रहा था। इसकी वास्तविक उपयोगिता अब जाकर हासिल हो पाई है। इस समय हाशिए पर पड़ी 90% से अधिक आबादी इसका लाभ उठा रही है। भल्ला ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व पिछले कई उदाहरणों के कारण संदिग्ध बना हुआ है, जब वह प्रभावी निर्णय लेने में विफल रहे हैं। भल्ला ने कहा कि नेतृत्व बहुत बड़ी चीज है। राहुल गांधी के बारे में कोई सबूत नहीं है कि वह प्रभावी नेता होंगे या नहीं। 2013 में उन्होंने अपनी ही सरकार का अध्यादेश सबके सामने फाड़ दिया था। नेता ऐसा नहीं करते। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि 2014 से पहले के विपरीत चुनाव अभियोग्यता के आधार पर होते हैं। इस समय विपक्ष का चेहरा कौन है, मैं किसी को नहीं देखता। विपक्ष में 50 चेहरे हैं। भाजपा का एकमात्र चेहरा पीएम मोदी है। ये भी एक कारण है कि भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। सुरजीत भल्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी दयनीय स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। एक खास वर्ग को खुश करने की बार बार की कोशिशों से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति ने कांग्रेस को क्षति पहुंचाई है, तो उन्होंने इससे सहमति जताई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।